हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आपका आईक्यू फ़ोन है तो आईक्यू फ़ोन के सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर जो आपके फ़ोन में पैटर्न लॉक है तो पैटर्न लॉक को सेटअप कैसे कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को जो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही आपको सेटिंग्स आइकन पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही जो फ़ोन की सेटिंग्स है ओपन हो जाएगी। तो जो आपके फ़ोन में पैटर्न पासवर्ड से तो पैटर्न लॉक को सेटअप कैसे करेंगे, सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको सिंपली जाना है सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी सेटिंग्स आपके फ़ोन में इस तरीके से ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ से जाना होगा सेटिंग्स पे, फिर यहाँ से आप पैटर्न लॉक को सेटअप कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के लॉक शो हो रहे हैं तो हम पैटर्न लॉक को सेटअप करने वाले हैं, तो पैटर्न लॉक को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसको आप सेट करने के लिए पहले पासवर्ड डालना है। इस तरीके से पासवर्ड डालते जो पैटर्न लॉक है आपके स्क्रीन पे सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन के स्क्रीन पे सेट हो गया होगा पैटर्न लॉक। जैसे हम ऑफ करेंगे तो शो करेगा, तो इस तरीके से शो हो रहा है पैटर्न लॉक। और साथ में जैसे अगर आपको पैटर्न लॉक पासवर्ड को चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। आपको इसे सेटिंग्स पे जाना है, दोबारा से पासवर्ड को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ से इसी ऑप्शन पे जाकर न्यू पासवर्ड डाल देना है इस तरीके से। न्यू पासवर्ड डाल देना तो जो पैटर्न लॉक पासवर्ड है चेंज हो जाएगा। आप देखते हैं कि चेंज हो चुका होगा, तो जो हमारा पैटर्न लॉक है जिससे ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से पैटर्न लॉक पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। और साथ में जैसे पैटर्न लॉक को रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरीके से ओपन कर लेंगे, नॉन ऑप्शन पे जाएंगे, इस पर क्लिक करते जो पैटर्न लॉक है आपके फ़ोन से हट जाएगा। तो इस तरीके से आप पैटर्न लॉक को सेटअप कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट